उषा की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे। कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। बड़ी ही शीघ्रता से भविष्य वर्तमान और वर्तमान भविष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। शुक्राचार्य के आश्रम में भी अभिलाषाएं अब बदल चुकी हैं। कभी देवराज की प्रतिद्वंदिता में उन्हें झुकाने का स्वप्न देखने वाला शुक्राचार्य आज एक संतुष्ट और सफल गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। अब उनकी अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है। वे वृष परवा के लिए कई युद्ध जीत चुके हैं। अब कुछ पाने को शेष नहीं है। अब उनके भीतर का पिता अपनी पुत्री से अटखेलियां करना चाहता है। आज का शुक्राचार्य कल के शुक्राचार्य से पूर्णतः भिन्न है। आप दोनों मुझ अवगुणी में गुणों का भंडार ढूंढकर मेरी प्रशंसा करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। नहीं, तुम जिस सम्मान के अधिकारी हो वही तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। गुणिका, तुम्हें भी पत्र लेखा से कुछ सीखना चाहिए। मैं अवश्य पत्र लेखा से ज्ञान का लाभ उठाऊं। ये कितनी गुणवान और ज्ञानवान। इसके संग्रह कर थोड़ा बहुत ज्ञान, अक्षरों की वर्णमाला अपने गले में पहन लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। मैं अवश्य पत्र लेखा से ज्ञान का लाभ उठाऊं। अब हम सारी बातें यही कर लेंगे। चलो मयूरासन पर बैठते हैं। हाँ हाँ चलो। प्रणाम राजकुमारी। मैं आपके प्रणाम का स्वीकार नहीं करती। क्षमा कीजिए राजकुमारी, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? तुमने मुझे प्रणाम किया, मेरी सखी देव को क्यों नहीं? इसे क्यों डांट रही है? प्रणाम तो भाव से किया जाता है। हमने दासियों का प्रणाम स्वीकार कर लिया। देवयानी, तुम्हें सबका मान रखना आता है। किसी को अपमानित करके पाया गया मान हृदय को दुख देता है, सुख नहीं। सचमुच गुरुदेव ने तुम्हें उच्च स्तर की शिक्षा और संस्कार दिए। ये बता, तुम अपने महल में समय व्यतीत करने के लिए क्या करती हो? मैं सरित सागर की रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनती हूँ। और तुम? हमारे लिए वेद, शास्त्र और ग्रंथ सब कुछ हमारे पिताजी के द्वारा सुनाई जाने वाली कथाएं होती हैं। पिताश्री की कथाएं मुझे आदर्श, संस्कार और संस्कृति का ज्ञान देती है। इसीलिए तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है। तुम्हारे ज्ञान सागर से मैं कुछ बूंदों को लेकर स्वयं को धन्य करना चाहती हूँ। हमारे पास जो कुछ है उस पे तुम्हारा अधिकार निश्चित है। चलो उद्यान की सैर करते हुए ज्ञानवर्धक बातें करें। चलो। शर्मिष्ठा, ज्ञान की पूंजी महल की अपेक्षा आश्रम में अधिक मिलती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। महलों में केवल ज्ञान की ही नहीं सखी और सहेलियों की भी कमी रहती है। सखी सहेली? परंतु तुम्हारे पास तो दासियों की भीड़ लगी रहती है। सेविका और दासियों की अपनी मर्यादा होती है, वो अपनी कर्तव्यों में बंधी रहती है। वो मेरे साथ और मैं उनके साथ खुलकर नहीं खेल सकती। इस व्यवस्था को हम समझते हैं। ये महल मुझे कारागार की भांति लगता है। इस वातावरण में मुझे घुटन होती है। ये विडम्बना ही है।
कि तुम्हें महल में रहकर सुख का आभास नहीं है और हम आश्रम में पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। सबकी अपनी अपनी सत्ता है। आश्रम में सेवक भी पारिवारिक सदस्यों की भांति होते हैं। वहाँ जीव जंतु पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा और भावना को समझते हैं। सत्य कहा तुमने, जंगल में विचरने वाले पशु, खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी सब स्वतंत्रता का आभास करते हैं। इसके बाद भी लोगों का महल के प्रति लोभ समाप्त नहीं होता। महल और आश्रम की स्थिति हर कोई को अवगत नहीं होती। हम तुम्हारे महल की नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक बना सकते हैं। महल के सारे नियम बदल सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए हमें तुम्हारे महल रहना होगा। सच? तुम हमारे महल में रहोगी? नहीं, तुम्हारे महल के लिए हम अपने पिताश्री को अकेले नहीं छोड़ सकते। उनकी देखभाल, उनका भोजन इत्यादि का दायित्व मेरे ऊपर है और हमारे पिताश्री हमें एक पल के लिए भी अपने दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता पुत्री के प्रेम पर हमें गर्व होता है। हाँ, हमें हमारे पिताश्री, हमारी छोटी सी कुटिया और हमारी छोटी सी कुटिया की विशाल स्वतंत्रता पर हमें गर्व है। राजकुमारी जी, महारानी जी ने आपको और देवयानी को शीघ्र महल में बुलाया है। माताश्री ने बुलाया है? हाँ, हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर महारानी जी का आशीर्वाद संजीवनी की तरह लाभकारी होगा। चलो चलते हैं। मृदुला, शिवजल की व्यवस्था की? जी महारानी जी। महारानी जी, आज आपने समस्त भोजन स्वयं अपने हाथों से तैयार किया है? हाँ, आज राजकुमारी जी का जन्मदिन जो है। ओहो, इसीलिए महारानी जी ने समस्त व्यंजन राजकुमारी जी की रुचि के अनुसार तैयार किए हैं। हमने केवल राजकुमारी की रुचि का विचार नहीं रखा है, अपितु देवयानी की रुचि भी सम्मिलित है आज के भोजन में। आज देवयानी का भी जन्मदिन है। माता जी। प्रणाम महारानी जी। आयुष्मान भव। बेटियों का स्थान हृदय में होता है। हमारे पिताश्री भी यही कहते हैं कि बेटियां सदा सम्मानित होती हैं। मेरे पिताश्री ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुमसे प्रेम नहीं करते। राजकाज के कार्य में उनकी व्यस्तता अधिक रहती है। व्यस्त तो हमारे पिताश्री भी बहुत रहते हैं, परंतु कभी परिवार के साथ न्याय करना नहीं भूलते। तुमने सही कहा देवयानी, आश्रम का जीवन महलों के जीवन से अधिक रोचक और सहज है। अच्छा, अब सारा समय वार्ता में ही समाप्त कर दोगी क्या? देखो, मैंने तुम दोनों के लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए हैं। हाँ, भोजन ग्रहण करो। आओ देवयानी। आप भी भोजन कीजिए। आप दोनों राजकुमारी को खाना खाते देख हमारा पेट स्वयं भर जाएगा। माताश्री, मैंने देवयानी को वचन दिया है कि मैं देवयानी को अश्वरोही सिखाऊंगी। गुरुदेव की आज्ञा के बिना कोई अभ्यास मत करना। परंतु इस समय गुरुदेव कहाँ है? ये प्रेम में क्यों? विश्व शांति। हाँ दैत्यराज, विश्व शांति की ओर विश्व शांति से अग्रसर हो रहा है। इस विश्व शांति में आपका योगदान सराहनीय है गुरुदेव। हे असुर राज वृषपर्वा, मैंने तो सदा लोगों के कल्याण, प्रकृति की सुरक्षा, ऋषि मुनियों का सम्मान और देव दानवों की समृद्धि का ध्यान रखा है। हमने भी दैत्यों का राजा होने के कारण दैत्यों के हित एवं देवताओं के कुशल क्षेम को सदैव अपने राजनीति में सर्वोपरि रखा है। देव दानव सौतेले ही सही, परंतु है तो भ्राता, किंतु इस कटु सत्य को
देवताओं ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो दानवों को नीचा दिखाने के लिए नित नए प्रयोग और प्रयत्न करते रहे। खेत का विषय कि अब तक इस भेदभाव को मिटाने के लिए देवताओं की तरफ से कोई पहल नहीं हुई और ना ही देवगुरु बृहस्पति ने भी कोई योजना बनाई है। महर्षि अंगिरा और उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने इस अन्याय की अग्नि में घृणा का घी डालने का कार्य किया है। तभी तो आए दिन पृथ्वी दैत्य और देवताओं के युद्ध से रक्त रंजित हो रही है, कर्रा रही है, चीख रही है। हे असुरराज, युद्ध के परिणाम सदा ही दुखदायी और कष्टदायक होते हैं। समाज में अव्यवस्था, ऋषियों की तपस्या में बाधा, जीवन की हानि, हर प्रकार की समस्या को जन्म देना ही युद्ध का प्राकृतिक धर्म है। परंतु जब से आपने मृत संजीवनी का अमर और चमत्कारिक वरदान प्राप्त किया है, तब से देवताओं के प्राण भय के कारण अधर्म में लटक रहे हैं। हाँ असुरराज, ये हमारे लिए हर्ष और गर्व का विषय हो सकता है। मृत संजीवनी ने दैत्यों को जनहानि से बचाया है, उनके प्राणों की रक्षा की है। और दैत्यों के प्राणों की रक्षा का अर्थ हमारी रक्षा है। इससे हमारी शक्ति छीन नहीं हुई है, अपितु दैत्य देवताओं से शक्तिशाली बने हैं। आप निश्चिंत रहें महाराज, हमारा समाज पुनः व्यवस्थित हो गया है। ऋषि मुनियों का सम्मान कोष भी संचित है। दैत्यों के निर्बल से बलशाली बनने का चमत्कार आपकी मृत संजीवनी ने किया है, इसीलिए मैं दैत्यों के प्रति आपकी निष्ठा और कर्तव्य परायणता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दैत्य गुरु होने के कारण ये तो मेरा धर्म था, मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है। सेवक जी महाराज, कैसी ध्वनि है? क्या अस्तबल में अश्व बिगड़ गए? अस्तबल में राजकुमारी और देवयानी जी अश्वरोहण के उद्देश्य से गई हुई हैं। आप चिंता ना करें महाराज, मेरी देवयानी के होते वहां कोई अपशगुन नहीं हो सकता। अश्वरोही हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तुम भी तो अश्वरोही में दक्ष हो। मुझे महल में अभ्यास कराया गया था और हमें आश्रम के खुले प्रांगण में। हमारी देवयानी भी किसी से कम नहीं है, विशेषताओं का भंडार है मेरी सखी। और मेरी राजकुमारी भी गुणों की खान है। अब तुम हम दोनों की प्रशंसा करना छोड़ दो और अश्वरोही के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे अश्व से डर लगता है। अश्व से भय लगता है? शर्मिष्ठा, इसे तो झूले से भी डर लगता है। परंतु मेरी पत्रलेखा निर्भय है और कुशल अश्वरोही भी। जा पत्रलेखा, अब तुम्हारी बारी है। अरे राजकुमारी जी, मुझे याद आया कि महल से बुलावा है कि महाराज और गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलो देव, चलो। ये प्रेम में क्यों होता है? आप निश्चिंत रहे महाराज, चारों बचिया यहाँ सकुशल पहुँचेंगे। गुरुदेव, आपकी बातों से एक महाराज को धैर्य बनता है, परंतु एक पिता को मेरी चिंता। शर्मिष्ठा, देवयानी, उन सभी के लिए। मैं भी एक पिता हूं। आप पिता के साथ एक गुरुदेव भी हैं। आपके धैर्य तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं। पिता का हृदय एक जैसा होता है, पिता चाहे गुरु हो या महाराज, साधारण मानव की भांति व्याकुल होता है। तो फिर देवयानी और शर्मिष्ठा के नहीं आने पर आप चिंतित क्यों नहीं? इसलिए कि देव पर मुझे स्वयं से अधिक विश्वास है।
सुखी भवा। प्रणाम महाराज। यशस्वी भव। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। कीर्तिवान भवा। प्रणाम महाराज। यशस्वी भव। राजकुमारी, आपको अस्तबल के बाहर अश्वरोहण की आज्ञा नहीं है, फिर आप वन में क्यों गई थी? क्षमा पिताश्री, मैं देवयानी को वन की सैर कराना चाहती थी। परंतु वन में आपका अश्व बिदक सकता था, कोई घटना घट सकती थी। पिताश्री, ऐसा ही हुआ था, परंतु देवयानी ने अपने अश्व के साथ मेरे अश्व को भी नियंत्रण में कर लिया। मैंने कहा था ना महाराज, मेरी देव के होते सर्वेष्ठा का अशुभ नहीं हो सकता। देवयानी, सच में तुम में राजा महाराजाओं के गुण हैं। अपनी सहेली को दुर्घटना से बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज, आप हमें लज्जित कर रहे हैं। मेरी राजकुमारी से सदा ऐसी ही मित्रता निभाती रहना, सदैव इसके जीवन और अधिकारों की रक्षा करती रहना। पिताश्री, यदि इस बार देवदानों में युद्ध होगा तो आप देवताओं को परास्त करके देवयानी के हाथों में देवलोक की सत्ता सौंप दीजिए। हमें देवलोक की शासिका नहीं, अपने पिताश्री की लाडली बेटी बनना है। पराजय 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 पराजय। अब ये पराजय ही हमारा भाग्य बन गई है। विजयश्री हमसे रुष्ट हो गई है। परंतु कब तक रुष्ट रहेंगी? ये विजयश्री देवराज, इसे मनाने और अपने पक्ष में करने का कोई उपाय सोचना होगा। उपाय सोचकर भी क्या होगा तिलोत्तमा? जब तक देवगुरु बृहस्पति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सुख सुविधाओं से युक्त राजमहल में इसी प्रकार को भोग भोगते रहेंगे और अप्सराओं के नृत्य गान में अपने कान दूषित करते रहेंगे। देवराज, ये तो विलाप हुआ जो हम गुरु बृहस्पति के विरुद्ध कर रहे हैं। ये विलाप हम क्यों कर रहे हैं? देव गुरु को उनके कर्तव्य का बोध क्यों नहीं कराते? बोध कराने की मर्यादा और स्थान होता है। देव गुरु रंभा और उर्वशी की रंगशाला से बाहर निकलेंगे तभी तो उन्हें बोध होगा। तो उन्हें बाहर भी आप ही निकालेंगे? धर्म और कर्तव्य का बोध भी आप ही कराएंगे देवराज? हमें दैत्यों से पराजय का उपाय सोचना होगा। दैत्यों की जय और पराजय का मंत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कमंडलों में बंदी बना हुआ है। तो इस बंदी को स्वतंत्र कैसे कराया जाए? गुरु शुक्र तो आपके जमाता हैं। हाँ तिलोत्तमा, गुरु शुक्र हमारे संबंधी हैं। इसमें मैं अपना सौभाग्य तो नहीं कह सकता, परंतु दुर्भाग्य अवश्य है। देवराज, दुर्भाग्य और सौभाग्य की परिभाषा पे हम बाद में बहस करेंगे। इस समय आप शुक्राचार्य से इस संबंध का लाभ उठा सकते हैं। उनसे देवताओं के पक्ष में कोई समझौता करके दानवों की पराजय निश्चित कर सकते हैं। देवेंद्र, इन देवों के विचार विचार करने योग्य हैं। मैं शुक्राचार्य के स्वभाव को भली भांति जानता हूं। वो देवताओं से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अगर शुक्राचार्य के पास समस्त सुविधाओं का अभाव है, फिर भी वो दैत्यों की सुरक्षा के लिए
नित नए नियम परीक्षण करते रहते हैं। कदाचित भाग्य गुरुदेव के पक्ष में खड़ा है देवराज। ये भाग्य से अधिक उनके परिश्रम का परिणाम है। हाँ तिलोत्तमा, दैत्यों की सफलता, यश, कीर्ति, विजय, श्रेय, ये सारे श्रेय शुक्राचार्य के अथक और निःस्वार्थ परिश्रम को मिलना चाहिए।